बच्चे का जन्म कैसे होता है, ये सवाल हर महिला के मन में आता है, खास तौर पर उन महिलाओं के मन में जो पहली बार माँ बनने वाली होती है। नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल डिलीवरी की प्रक्रिया है जिसमें महिला अपने योनि मार्ग से शिशु को जन्म देती है। इस डिलीवरी में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बच्चे को जन्म दिया जाता है। यदि महिला को मेडिकल समस्या ना हो तो उसे बड़े आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, इस बारे में हर महिला को जानना जरूरी है। आज के युग में बहुत सी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के नाम से डरती हैं और घबराती हैं, इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि आखिर नॉर्मल डिलीवरी में होता क्या है, इसमें कौन से जोखिम होते हैं, क्या सच में इसमें कोई खतरे वाली बात होती है, नॉर्मल डिलीवरी में कितना समय लगता है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार माँ बनने वाली हैं तो नॉर्मल डिलीवरी में तकरीबन 7 से 8 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर यह आपकी दूसरी डिलीवरी है तो डिलीवरी में कम समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गर्भाशय ग्रीवा यानी कि आपकी सर्वैक्स कितनी फैली हुई है। नॉर्मल डिलीवरी में लगने वाले समय के बारे में जान लेने के बाद अब बारी है यह जानने की कि नॉर्मल डिलीवरी होती कैसे है। नॉर्मल डिलीवरी को 3 चरणों में बांटा गया है। जो पहला चरण होता है वो है 15 से 19 घंटे का। इस चरण में शिशु पेट के निचले हिस्से की तरफ आ जाता है। इस स्थिति में बच्चेदानी का मुख पतला होकर खुलने लगता है। इस दौरान हर 5 से 20 मिनट में पेट के निचले हिस्से में लगातार तेज दर्द होता है। इस चरण के शुरुआती दौर में गर्भाशय ग्रीवा तकरीबन 3 सेंटीमीटर तक खुलती है। इस दौरान महिला को अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए और अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, अपने साथ किसी न किसी को जरूर रखना चाहिए। साथ ही अपने डॉक्टर से संपर्क कर अस्पताल जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको हर 3 से 5 मिनट में संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। धीरे धीरे गर्भाशय ग्रीवा 3 से 7 सेंटीमीटर तक खुल जाती है और लगातार दबाव बढ़ता है। यह दबाव ठीक वैसा ही होगा जैसे पीरियड्स के दौरान पीठ के निचले हिस्से में होता है। ऐसा होने पर आपको अस्पताल जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगले दौर में आपका गर्भाशय ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। इस चरण का दर्द लंबे समय तक लगातार रहता है। इस दौरान बच्चेदानी से म्यूकस प्लाक बाहर निकल जाता है जिससे लाल या भूरे रंग का डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ ही बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो भी बाहर आ जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के दूसरे चरण में शिशु गर्भाशय से बाहर निकलने लगता है। इसमें गर्भाशय ग्रीवा फैलने लगती है और संकुचन बहुत तेज होता है और लंबे समय तक चलता है। हर 3 से 4 मिनट में होने वाला ये संकुचन 45 से 60 सेकंड तक हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये समय बढ़कर 1.5 मिनट या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये दर्द तेज होता है, ऐसे में महिला को जोर लगाते रहना चाहिए। शिशु के बाहर निकलने की प्रक्रिया 3 से 5 घंटे तक चलती है। ये चरण 20 मिनट से 2 घंटे तक रह सकता है। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का चेहरा माँ की पीठ की ओर होता है। गर्भाशय का निचला हिस्सा धीरे धीरे ज्यादा खुलने लगता है। जब योनि से बच्चे का सर दिखने लगता है तब डॉक्टर योनि के मुख को बड़ा करने के लिए छोटा सा कट लगाते हैं और माँ को नीचे की ओर जोर लगाने के लिए कहते हैं। योनि मुख से पहले शिशु का सर निकलता है, फिर शिशु के कंधे बाहर निकलते हैं और दोनों कंधे निकलने के बाद शिशु का पूरा शरीर आसानी से बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जाना कि बच्चा गर्भाशय से बाहर कैसे आता है, लेकिन जब 2 ही चरण में शिशु बाहर आ जाता है तो फिर डिलीवरी के 3rd स्टेज यानी कि 3रे चरण में क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, 3रे चरण में होता यह है कि इसमें गर्भनाल पूरी तरह से योनि से बाहर आ जाती है। इसमें तकरीबन 1/2 घंटे का समय लगता है। इस दौरान महिला को ऐसा लग सकता है कि गर्भनाल फिसल कर खुद ब खुद बाहर आ गई है, लेकिन गर्भनाल होती क्या है? तो दोस्तों, गर्भनाल एक ऐसी नली है जो माँ और बच्चे को जोड़ती है। इस नाल के जरिए माँ जो कुछ भी खाती है उसका पोषण बच्चे को मिलता है। डिलीवरी के बाद गर्भनाल को महिला के शरीर से निकाल लिया जाता है। गर्भनाल का निकलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यदि नाल महिला के शरीर में रह जाए तो वह इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है। दोस्तों, यदि पहले से ही अंदाजा हो जाए कि डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस हैं या नहीं तो कितना अच्छा होगा, है ना? तो आपको बता दें कि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे पता लग सकता है कि महिला को नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं। तो क्या है ये लक्षण, आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के 34 से लेकर 38वें सप्ताह में बच्चे का सर नीचे की तरफ आने लगे तो ये नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ा देता है। बच्चे के नीचे की ओर आने से महिला को उठने, बैठने और चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। यह भी नॉर्मल डिलीवरी का एक लक्षण हो सकता है। जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो गुदा मार्ग के म्यूकस लचीले हो जाते हैं और मल पतला हो जाता है। एक बात जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत जरूरी है वह है आपका खान पान। एक संतुलित खान पान का नॉर्मल डिलीवरी में खास योगदान होता है। गर्भावस्था के दौरान जरूरी है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लें। विटामिन सी युक्त चीजें जैसे कि संतरा और नींबू को अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा कैल्शियम युक्त भोजन पर भी खासा ध्यान दें।
डॉक्टर की निगरानी में रहकर महिला कैल्शियम की गोलियों को भी ले सकती है। शरीर में खून की कमी ना हो इसके लिए महिला को आयरन युक्त चीजें ज्यादा से ज्यादा भोजन में शामिल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बहुत कुछ जान लिया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।